अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया और डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया गया। आरोपियों ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बना के उसके साथ कई बार इस वारदात को अंजाम दिया और इस मामले का खुलासा 2 महीने बाद हुआ, जब पीड़िता गर्भवती हो गई। इनमें से एक आरोपी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, जिसके चलते पुलिस ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। जब नाबालिग के साथ इस दुष्कर्म का मामला सामने आया तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद से सवाल पूछे गए तो वो सवालों से बचते नजर आए और बोले, जब तक मुझे मामले की जानकारी नहीं होगी तब तक मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। तो सांसद साहब ने तो पल्ला झाड़ दिया। इस पूरे पक्ष को लेकर पुलिस और पीड़िता की माँ का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। धान बैठा मार पीटिया जात रहे हैं, धान बैठा लौटी है तो राजू मोहित रहे, कहीं आप पोस्ट पापा ले जा तो पापा जन बात है राजू भी रहे मोहित, वो सब वीडियो बनाए, वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर मार पीटिया ले गया तो पूछे ने 2 महीने के बाद साफ हवा तो कहीं कि भाई सही से राजू मोहित करे हैं जाँच कराए, जाँच पे दिन करा 2 महीने का लड़का। थाना पूरा कलंदर का है, यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाए। मामले का खुलासा 2 महीने बाद हुआ, जब नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई। मोहित खान नाम के शख्स पर रेप का आरोप लगा है, साथ ही पीड़िता ने वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया, जिसे राजू नाम का आरोपी बना रहा था। नाबालिग को वीडियो बनाकर कई दिनों तक ब्लैकमेल करके बार बार रेप किया गया। मामले के खुलासे के बाद लड़की की मां उसको भदरसा चौकी पहुंची, लेकिन बताया गया कि चौकी इस मामले के मुख्य आरोपी मोहित खान के घर में ही है, लिहाजा कार्रवाई के नाम पर पुलिस पीड़िता को टालती रही। लेकिन जैसे इस मामले की जानकारी निषाद पार्टी और हिंदू संगठनों को हुई, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। यह घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर 91, इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है, 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या?